जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी गार्डनिंग अच्छे से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है उस एक स्पेशल कमेंट के ऊपर ये वीडियो बनाया है मैंने, यानी कि जो मनी प्लांट है उसके ऊपर एक कमेंट आया था। मेरी पुरानी वीडियो है, उस पर कॉमेंट आया था कि पत्ते जो है वो सन से बर्न हो गए हैं, गर्मियों से झुलस गए हैं, पीले हो रहे हैं, झड़ रहे हैं और टहनियाँ ही रह गई हैं मनी प्लांट में, तो क्या करें। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में वही आपको सारी नॉलेज देने वाली हूँ कि आप अपने जो लेगी मनी प्लांट है, जैसे आपने कहीं बेल के रूप में चढ़ाया है या आपने जो ब्रांचेस है काफ़ी लंबी कर रखी हैं लेकिन उनको लंबी होने में फिर वापस से बहुत टाइम लगेगा, तो फ्रेंड्स क्या करना चाहिए और ये सूखे पत्तों का क्या करना चाहिए, तो वो भी वीडियो में पूरा बताऊँगी। अभी इस समय आपको मॉनसून आ चुका है, तो इस समय आपको मनी प्लांट के ऊपर कौन से काम करना चाहिए, किस किस तरीके की खाद दे सकते हैं, ये ओरली मैं आपको बताऊँगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिएगा बिना स्किप किए। और आपसे बहुत छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल पर आते हैं, वीडियोस देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो फटाफट से सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि मेरे गार्डन से रिलेटेड जितनी भी वीडियो है वो आप तक डायरेक्टली पहुँच पाएगी और आप मेरे वीडियो को सबसे पहले देख पाएंगे और सबसे पहले कॉमेंट भी कर पाएंगे। तो जो सबसे पहले कॉमेंट करेगा उसका कॉमेंट नेक्स्ट वीडियो में मैं ज़रूर ऐड करूँगी और अलग से हाईलाइट करके दिखाऊँगी। और अगर कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर पूछेगा। तो यहाँ जो सूखे पत्ते हैं, मैं आपको दो मनी प्लांट, मेरे पास जो प्लांटर है उनमें मनी प्लांट लगा है, एक में नियॉन लगा है और एक में जो है नॉर्मल हमारा जो मनी प्लांट है ग्रीन वाला वो लगा है। तो फ्रेंड्स, पत्ते तो है, मौसम चेंज होगा, गर्मी से अगर बारिश आ रही है तो पत्ते पीले होके गिरेंगे ही, और अगर बारिश से जब सर्दियाँ आएगी तो भी इसके पत्ते झड़ते हैं, सर्दियों से फिर बारिश आती है, सर्दियों से फिर गर्मी आती है तो फिर पत्ते झड़ते हैं। तो पत्ता झड़ना तो मनी प्लांट में मौसम के साथ चलता रहता है, उसमें टेंशन मत लीजिए। सर्दियों को छोड़ के मनी प्लांट पूरे साल भर आपके गार्डन में हरा भरा कैसे बना रहेगा वो मैं बताती हूँ। तो सबसे पहले आपको ये जो मानसून का सीज़न है इसमें जो पत्ते हैं वो हटा दीजिए, जो पीले पत्ते हैं वो हमारे प्लांट की खूबसूरती को वैसे भी ख़राब कर रहे हैं। और आप चाहें तो मनी प्लांट की कटिंग कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर न्यू ग्रोथ हो रही है, मैं आपको दिखा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, आप चाहे तो मनी प्लांट की न्यू कटिंग कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको लेगी ब्रांचेस चाहिए कि नहीं अब हम ज़्यादा वेट नहीं कर सकते कि इसको काट दिया तो पता नहीं कब लंबी होगी, अगर ऐसा आपके दिमाग में है, देखिए ये लेगी ब्रांचेस है तो मैं तो काट रही हूँ, मुझे टेंशन नहीं है, मेरे पास और भी मनी प्लांट है जिसमें काफ़ी लेगी ब्रांचेस है और मैं ये कटिंग ग्रो भी कर लूँगी, तो मुझे कटिंग चाहिए थी नियॉन पोथोस की। और ये देखिए इसमें भी, ये जो बुद्धा वाला प्लांटर है इसमें भी जो है काफ़ी लेगी हो गई है ब्रांचेस, तो इनको भी कट कर दूँगी। लेकिन अगर आप कट नहीं करना चाहते तो मेरी बात ध्यान से सुनिए, अगर कट नहीं करना चाहते तो जो सूखे और ड्राई पत्ते हैं वो सारे हटा दीजिए, अगर वो सिर्फ एक टहनी दिख रही है ना तो भी कोई टेंशन नहीं है, वहीं से दूसरी पत्ती रीग्रो हो जाएगी, यकीन मानिए मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ आपको। जहाँ से आप पत्ता झड़ेगा ना, पीला पत्ता जहाँ से झड़ता है वहीं से न्यू लीव्स आना स्टार्ट हो जाती है, तो इस टेंशन को तो बिल्कुल भी मत लीजिए। जैसा इनके पहले मैंने आपको जो अपनी बेल वाली जो मनी प्लांट दिखाई थी उसमें भी ऐसा ही हो रहा था, लेगी लेगी ब्रांचेज हैं, लेकिन अभी मैं उनमें देख रही हूँ, मैंने उनमें अच्छे से खाद वगैरह डाल दी है क्योंकि मौसम आ गया है खाद डालने का। तो अगर आप कटिंग करना चाहते हैं तो देखिए, मैं तो कटिंग करना चाहती हूँ इस छोटे प्लांटर में, क्योंकि बहुत छोटा प्लांटर है तो मैं इसमें ज़्यादा लेगी ब्रांचेज नहीं रखूँगी, और मानसून में तो वैसे भी एक महीने में ही फिर से ब्रांचेस लेगी हो जाएगी। तो देखिए दोनों में मैंने हटा दिया है, दोनों में मैंने लेगी लेगी ब्रांचेस हटा दी है। आप चाहें तो हटाएं, नहीं चाहते कि नहीं हटाना है तो मत हटाइए, पत्ते झड़ रहे हैं झड़ने दीजिए, उन्हीं में ध्यान से देखिएगा कंपोस्ट डाल दीजिए। अभी आप एक काम कीजिए, जो भी आपके पास ऑर्गेनिक कंपोस्ट है या इनऑर्गेनिक भी है, एनपीके है या यूरिया है या डीएपी है, किसी भी तरीके की एक तरह की खाद इस पर डालिए, सारी की सारी एक साथ मत डाल दीजिएगा, क्वांटिटी उसके ऊपर लिखा होता है किस हिसाब से देना है, और ऑर्गेनिक अगर डाल रहे हैं तो वो थोड़ी कम ज़्यादा भी होती है तो चलता है। तो कंपोस्ट दे दीजिए, वर्मी कंपोस्ट, किचन कंपोस्ट, काउ डंग कंपोस्ट, कटिंग प्रूनिंग करना चाहते तो कटिंग प्रूनिंग करके दे दीजिए, अगर आप नहीं करना चाहते, आप अपनी ब्रांचेस को अच्छी लेगी रखना चाहते हैं तो उसमें दे दीजिए। फ्रेंड्स, जहाँ से पत्ता झड़ता है या सनबर्न होता है तो वो पत्ता आप हटा देंगे ना, वहीं से न्यू पत्ता ग्रो होगा, ये मैं आपको 100% कह रही हूँ कि ज़रूर ग्रो होगा, कहीं कहीं नहीं हो सकता है लेकिन अधिकतर होगा, या न्यू ब्रांच वहाँ से निकलेगी,
और वो फिर से आपकी जो पतली टहनी रह गई है और वो खूबसूरत नहीं दिख रही है, तो एक महीने के अंदर ही फिर से वो आपके प्लांट को, वो जो टहनी है पतली सी जिसके पत्ते झड़ रहे हैं, उसको फिर से हरा भरा कर देगी। तो मनी प्लांट के ऊपर आप जो केमिकल वाली खाद देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं अभी बारिश के मौसम में, और अगर क्योंकि गर्मियाँ चली गई है तो केमिकल वाली दे सकते हैं। तो यूरिया सबसे बेस्ट होता है केमिकल में, और इधर किचन कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट और काउडंग कंपोस्ट ऑर्गेनिक में सबसे बेस्ट होता है। फिर अगर आप घर का कोई खाद देना चाहते हैं तो वो भी आप दे सकते हैं, जैसे अनियन पील है, बनाना पील है, ये भी काफ़ी न्यूट्रिशन से रिच होते हैं। दाल चावल का जो पानी हम स्टोर करते हैं, बायो एंजाइम, मैं तो जीवामृत बनाती हूँ पौधों के लिए, वही देती हूँ, उसके अलावा मैं अपने पौधों में और कुछ नहीं देती। तो यही आपको मनी प्लांट के ऊपर काम करना है। आई होप जिन्होंने मुझसे क्वेश्चन किया था उनको अपने क्वेश्चन का आंसर मिला होगा। अगर मिला है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर मुझे बताइएगा कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुआ है। आई होप आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नहीं हुआ तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन ऑल पर प्रेस करना मत भूलिएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, पशुपतिनाथ प्लांट नर्सरी, और किसी प्लांट के बारे में जानकारी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय। जय श्री कृष्ण।